हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी SFR का ये पैलेट है, जस्ट टेक मी। इसका रिव्यू शेयर करूंगी आपके साथ। ये काफ़ी अच्छा पैलेट है और काफ़ी अट्रैक्टिव है देखने में भी। आप देख सकते हो इसकी पैकेजिंग पिंक कलर की है, ये बेबी पिंक कलर की पैकेजिंग है। और इसकी एक्सपायरी डेट अपन को 5 ईयर्स तक की शेल्फ लाइफ मिल रही है, काफ़ी अच्छी है। और SFR में पैराबेंस होते हैं, सो अगर आपको उससे प्रॉब्लम है तो मत लीजिएगा आप ये। और ये क्रुएल्टी फ्री है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था। सो या लेट्स ओपन दिस। तो आप ये देख सकते हो कितना प्रिटी पैलेट है ये, जस्ट टेक मी SFR का। शायद से ये न्यू लॉन्च है इसलिए, क्योंकि ये एक भी किसी का इसका रिव्यू भी नहीं है। सो या काफ़ी प्रिटी पैलेट है ये। आप देख सकते हो इसमें ये थोड़ा एक ब्रॉन्जर टाइप का शेड है और एक ब्लश है और बाकी आई शेडोज हैं। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, काफ़ी हैवी भी है ये। सो ये ऐसे ओपन होता है तो आप देख सकते हो ये इसका ब्रॉन्जर वाला कलर है। अगर आप फेयर टू मीडियम हो ना तो आप इसको ब्रॉन्जर की तरह यूज़ कर सकते हो। और ये ब्लश है, इसको तो सभी यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आप थोड़े डीप स्किन टोन के हो तो आप इसको ब्लश की तरह भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छा शेड है ये। और बाकी आई शेडोज हैं इसमें, इसमें से ये वाला मैट कलर है और ये दो, ये दोनों मैट कलर हैं, ब्लड लस्ट और मालदीव्स। इसमें सारे प्लेसेस के नाम का पैलेट है, ये वर्ल्ड प्लेसेस टाइप का है। और आप इनको भी अपनी क्रीज लाइन और मैट की तरह इनको भी यूज़ कर सकते हो, इन दोनों शेड्स को क्रीज के लिए और ब्लेंड करने के लिए, आउटर क्रीज के लिए। और फिर आप लिड में इनमें से कोई भी शिमर वगैरह यूज़ कर सकते हो। सो या ऐसे भी यूज़ कर सकते हो आप, और इनको ब्लश की तरह भी यूज़ कर सकते हो। सो या सो गाइज, मैंने ना फाउंडेशन बस लगाया है और आईब्रोज कर लिए हैं, बाकी कंसीलर वंसीलर अब मैं करूँगी। सो इसको मैं पूरे फेस में इसी को यूज़ करूँगी। इसका जो ये वाला शेड है इसको एज अ ब्रॉन्जर यूज़ करूँगी, इसको ब्लश, बाकी को आई शेडोज। और ये वाला जो शेड है ना, इसको मैं हाईलाइटर की तरह यूज़ करूँगी। इसका नाम है लंडन, लंडन है इसका नाम, तो मैं लंडन को एज अ हाईलाइटर यूज़ करूँगी। तो गाइज, मैं कंसीलर के लिए वेट एंड वाइल्ड वाला यूज़ कर रही हूँ। ये वाला शेड है लाइट मीडियम बेज, तो मैं इसको अपने अंडर आइज़ में लगाऊँगी और आईलिड में लगाऊंगी। ये काफ़ी मैट कंसीलर है, सो जिनकी ऑयली स्किन है ना, ऑयली कॉम्बिनेशन, तो उनके लिए ये अच्छा कंसीलर है। मेरे ना यहाँ पे थोड़े डीप सेट है तो मैं ऐसे वी की तरह लगाती हूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं पूरे में लगा रही हूँ। थोड़ी सी घुसी हुई है मेरी आँखें। और ये मैट कंसीलर है तो उनको जल्दी से ब्लेंड करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, मैं इसमें अभी एक भी कट नहीं लगाऊंगी, तो आप देख सकते हो आराम से मैं क्या क्या कर रही हूँ। और अगर आपको बाहर से हॉर्न वॉर्न की नॉइज़ आए तो थोड़ा इग्नोर करो आप उसको, लेकिन इसमें मैं एक भी अभी कट नहीं लगाऊंगी। ओके, तो मैंने कंसीलर लगा लिया, मैं इसको ब्लेंड करूँगी। यह है कफ्स एंड लैशेज़ का F11 ब्रश, इससे आपको कंसीलर को ज़्यादा ड्रैग नहीं करना है, ऊपर ड्राई कर सकते हैं अपन, नीचे में नहीं करना है। तो आप देख सकते हो पूरा काफ़ी, ये एकदम फुल कवरेज टाइप का कंसीलर है, काफ़ी अच्छा कंसीलर है ये, मुझे काफ़ी पसंद है। और पता है सेल पे तो ये 250 का आ जाता है, और इसकी MRP समथिंग ना 500 है, लेकिन सेल पे आपको ये आराम से 250 तक का आराम से मिल जाता है, तो आप सेल पे ले लेना इसको। मैंने भी सेल पे लिया था, 500 का कंसीलर थोड़ी यार कोई लेगा। हाँ, ले भी सकते हो आप, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि सेल से ले लो आप, तो आपको आराम से मिल जाएगा पैसा वसूल एकदम, के पैसे भी सेव हो जाएंगे थोड़े। आप देख सकते हो मेरे थोड़ा सा आईब्रो में लग गया है, तो मैं उसको हाथ से क्लीन करती हूँ, करने की कोशिश करूँ। आपको आईलिड पे ना कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करना है, और अगर आपकी ऑयली आईलिड है ना तो उसको अपन सेट करेंगे अभी पाउडर से। और अगर एकदम ड्राई है तो आप डायरेक्ट अपना आई शेडो लगा सकते हो, सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो मैंने कंसील कर लिया है, एक बार ब्यूटी ब्लेंडर से कर देती हूँ तो उसमें फिनिश आ जाएगी अच्छी सी। ये डैम्प है ब्लेंडर, तो इससे फिनिश अच्छी आ जाएगी, स्ट्रीक्स नहीं पड़ेंगी।
एकदम सीमलेस फिनिश आएगी। ओके गाइज, अपन ने कंसीलर लगाया है, अब कंसीलर के बाद अपने जो अंडर आइज है ना, इसको तो मैं लूज पाउडर से सेट करूँगी। ये है मार्स का, क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादा क्रीज होती है एज़ कम्पेयर टू आईलिड, तो मैं इधर पे पहले सेट करूँगी। आप कोई भी लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हो, कॉम्पैक्ट मत यूज़ करो आप, लूज़ करो, क्योंकि क्रीज होती है ना, तो वो कॉम्पैक्ट जो होता है वो नहीं रोक पाता है क्रीज को, लेकिन जो लूज़ पाउडर होता है वो क्रीजिंग को रोक लेता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसको मैं ऊपर दूसरे ब्रश से लगाऊंगी। ये मैंने छोटा सा ब्रश लिया है, इससे थोड़ा सा लिया है। मेरी जो आईलिड्स है ना वो भी काफ़ी ऑयली है, तो एकदम क्रीजिंग हो जाती है, इसलिए मुझे सेट करना काफ़ी ज़रूरी है। और वैसे भी आप कर सकते हो, उससे क्या होता है ना, अपनी जो आई शेडो होती है अच्छे से लॉन्ग लास्ट करता है। अगर आप सेट नहीं करोगे ना तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, थोड़ा हिलता और क्रीज आएंगी उनमें। सो ये थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का कलर है, तो ये फेयर के लिए अच्छा बॉन्डिंग का काम करेगा। पूरा पे भी लगाऊंगी मैं थोड़ा सा, यहाँ पे चीकबोन्स में। थोड़ा सा नोज में, ये पैलेट काफ़ी पिगमेंटेड है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। मैंने ब्रश को बीच में पकड़ा है क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रोमिनेंट चाहिए, कहाँ कहाँ मुझे लगाना है मुझे कंट्रोल चाहिए, इसलिए मैंने इसको मिडल में पकड़ा है। अगर आपको एकदम ब्लेंडेड ब्लेंडेड लगाना है तो आप इसे दूर से पकड़ के लगा सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब मैं ब्लश नहीं लगाऊंगी, मैं आई शेडो करूँगी, क्योंकि ब्लश जो होता है ना बड़ी जल्दी से गायब हो जाता है, तो अपन उसको बाद में लगाएंगे। अब मैं आई शेडो लगाती हूँ, पहले मैं ये वाला कलर ले रही हूँ, ये है मालदीव्स, इससे मैं पहले थोड़ी आईलिड को सेट करूँगी। इसमें फॉल आउट थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फॉल आउट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप हमेशा ना थोड़ा सा टैप ऑफ करो, उसके बाद ही यूज़ करा करो, तो उससे एकदम सही क्वांटिटी आएगी आपको। तो मैंने इसको थोड़ा सा कर लिया है ब्लेंड, अब मैं कौन सा कलर लूँ, मैं आप ब्लड लस्ट और ये मार्शमेलो को मिक्स करके इनको क्रीज में लगाऊंगी। सो गाइस, मैं ना एक साथ दोनों आइस करती हूँ, क्योंकि एक करके मैं दूसरी में करूँगी ना तो फिर मैं भूल जाऊँगी मैंने क्या क्या किया था, इसलिए। सो अपन लिड में कौन सा कलर लगाएं? आउटर क्रीज में मैं ये वाला कुकी डो लगाऊँगी, और इनर में मैं ग्रिफिंडर लगाऊँगी, और मैं इनके स्वॉचेज में आपको आखिरी में अटैच कर दूँगी, आप देख लेना। एकदम नेचुरल लाइट में, मैं आर्टिफिशियल लाइट यूज़ ही नहीं करती हूँ। जब ऐसे रिव्यू दिखाने होते हैं तब तो बिल्कुल यूज़ नहीं करती। सो आप भी कोशिश करा करो कि ऐसे रिव्यू देखो जो नेचुरल लाइट में, ताकि आपको रियल कलर्स दिखें कैसे हैं। तो मैंने क्या बोला था, हाँ, मैं कुकी डो को लगाऊंगी आउटर क्रीज में, ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन है, शिमर शेडी है ये भी, और ग्रिफिंडर को लगाऊंगी इनर पे। सो यहाँ बहुत पिगमेंटेड है, बहुत ब्यूटीफुल शेड है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये बहुत प्यारा शेड है। सो गाइस, मैंने आउटर क्रीज में लगा लिया है, काफ़ी पिगमेंटेड है ये शेड्स, बहुत अच्छे हैं, हाईली रिकमेंडेड। और मैंने उसको थोड़ा सा यहाँ पे अपनी लोअर लैश लाइन में भी ब्लेंड कर दिया है ऐसे, थोड़ा ऊपर को। अब लगाऊंगी मैं गोल्डन शेड विच इज़ ग्रिफिंडर। सो गाइस, मेरी आईज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, आप देख सकते हो बहुत प्यारी लग रही है। अब मैं इसका जो है ना लंदन, उसको मैं अपने इनर कॉर्नर्स और वहाँ पर लगाऊंगी।
सॉफ्टनिंग का मैं ब्लश लगा लूँ ये वाला खाली सी, ओ बहुत पिगमेंट है, बहुत पिगमेंट है। जब ऐसे आया ना तो मैं थोड़ा सा हैंड से उसको डस्ट ऑफ कर लूँ। सो नाउ मैं ले रही हूँ लंदन कोर, उसको मैं ऐसा हाइलाइटर लगाऊंगी। सो देखते हैं कैसा कैसा लगता है। ये थोड़ा सा पर्पल शेड है तो ये सिर्फ और सिर्फ फेयर पे अच्छा लगेगा, जो थोड़े फेयर स्किन को होते हैं उनके ऊपर अच्छा लगेगा। देख सकते हो पिंक पिंक लेवेंडर वाइट टाइप का कलर है इसका, तो ये सिर्फ फेयर पे अच्छा लगेगा। थोड़ा पर्पल पर्पल दिख रहा है वैसे ये, अगर आपको चल जाएगा तो आप लगा सकते हो, नहीं तो फिर आप मत लगाना इसको एज अ हाईलाइटर क्योंकि ये थोड़ा पर्पल पर्पल दिख रहा है। सो फ्रेंड्स मैं लगाऊंगी मेकअप फिक्सर। आई एम यूजिंग एसेंस का मस्कारा। मुझे काफ़ी पसंद आया है, सो हाईली रिकमेंडेड। काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी पिगमेंटेड है, बहुत अच्छा पैलेट है। इफ़ यू वांट टू बाय गो फॉर इट। तो आप देख सकते हो मैंने यही लुक क्रिएट करा है इसी से, काफ़ी वेरिएबल है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई एम लविंग दिस पैलेट सो मच। सो यार गाइस यही था मेरा वीडियो इस पैलेट के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय। सो गाइस दीज आर दी स्वाचेस, आप देख सकते हो काफ़ी पिगमेंटेड पैलेट है ये, इसके सारे शेड्स लगभग पिगमेंटेड है। ये दोनों इसके ब्लश शेड हैं, बाकी शिमर हैं और एक दो मैट कलर्स हैं, बाकी सारे शिमर्स हैं इसमें। काफ़ी अच्छा पैलेट है ये, हाईली रिकमेंडेड। और इसके शिमर भी काफ़ी सॉफ्ट हैं और सारे पिगमेंटेड हैं, बिल्कुल चौकी पाउडर ही नहीं है, काफ़ी अच्छे हैं। सो या सो गाइस आज वीडियो बनाने में थोड़ी बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुई है, तो मैं स्वाचेज आखिरी में इसलिए डाल रही हूँ, नहीं तो मैं बीच में डाल देती, बट कोई बात नहीं। आप देख सकते हो काफ़ी पिगमेंटेड पैलेट है ये। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।